गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेज नंबर 84 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। फर्स्ट हमने नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है, सेकेंड रिपीटेड एडिशन फॉर्म में, एंड थर्ड में हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा है। फर्स्ट कॉलम में हमें नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, सेकंड में रिपीटेड एडिशन फॉर्म में, एंड थर्ड में हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 4 को 7 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, इट मींस हमें 4 टाइम्स 7 को ऐड करना है। तो रिपीटेड एडिशन कॉलम में हम 4 टाइम्स 7 को ऐड करेंगे। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा भी 28 होता है, और जब हम 4 times 7 को ऐड करते हैं तो भी आंसर 28 ही होता है। सेकेंड, 3 multiply by 10, इट मीन्स हमें 3 times 10 को ऐड करना है। 10 plus 10 plus 10 इज इक्वल टू 30, 3 times ज़ा 30, 3 times ज़ा भी 30 होता है, एंड जब हम 3 times 10 को ऐड करते हैं तो भी आंसर 30 ही होता है। 4 multiply by 4, यहाँ पर हमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 4 times 4 को ऐड भी करना है रिपीटेड एडिशन कॉलम में। 4 plus 4 plus 4 plus 4 is equal to 16, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा भी 16 होता है, और जब हम 4 times 4 को ऐड करते हैं तो भी आंसर 16 ही होता है। नेक्स्ट, 5 multiply by 5, यहाँ पर हमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स हमें 5 times 5 को ऐड भी करना है। 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 25, 5 5 ज़ा 25, जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 25 आता है, एंड जब हम 5 times 5 को ऐड करते हैं तो भी आंसर 25 ही आता है। 6 multiply by 3, अब नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 6 को 3 से, तो हम यहाँ पर 6 times 3 को ऐड करेंगे। 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times and 6 times, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 and plus 3 is equal to 18, 6 3 is 18, और जब हम 6 times 3 को ऐड करते हैं तो भी आंसर 18 ही आता है। तो इसी तरह आगे के क्वेश्चंस को आप अपनी मैथ्स बुक में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।